हेलो दोस्तों, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल गए हैं। आजकल देखते होंगे सिक्कों का बहुत डिमांड आ रहा है। ऐसा सुनने में आता है कोई 50,000 रुपये का सिक्का बेचता है, कोई 5,000 रुपये का सिक्का बेचता है। लेकिन जब आप सिक्का बेचने जाते हैं तो वेबसाइट पे सर्च करते हुए बहुत सारे फ्रॉड लोग भी होते हैं जो कि आपको ऑफर देते हैं। एक तरीके का मैं आपको इस वीडियो के थ्रू फ्रॉड बताने जा रहा हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, ध्यान से सुना, तो आप उस फ्रॉड से बच सकते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास भी एक जवन्नी थी पुरानी, वो मैंने क्विकर पे पोस्ट कर दी। उसका प्राइस मैंने 5,000 रुपीज़ सेट किया और तो और मुझे एक एक दो ऑफर भी आए, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पर एक आदमी ने 4,500 का ऑफर मुझे दिया और उसने बोला कॉल करो। मैंने उसको कॉल किया तो उसने मुझसे मेरा लोकेशन पूछा। मैंने उसको अपना लोकेशन बताया तो उसने बहुत पास का ही अपना भी लोकेशन बताया, तो उससे कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होता है। फिर उसने कहा कि मैं सिक्का ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मेरा बंदा सिक्का लेने के लिए आपके घर पे आएगा, मैं आपको पेमेंट कर दूँगा 4,500 का। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कीजिए आप अपने बंदे को कैश के थ्रू पेमेंट करवाइए, वो आएगा कैश देगा, मैं उसको सिक्का दे दूंगा। बोला नहीं, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करूंगा फोन पे के द्वारा। बोला कि अपना लोकेशन शेयर कर दो, एड्रेस भेज दो। तो मैंने लोकेशन शेयर कर दिया, एड्रेस भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका कॉल आता है, आप उसका नंबर नोट कर लीजिए, ये एक फ्रॉड नंबर है। बोलता है कि मैं आपको फोन पे के जरिए पेमेंट करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। बोला ये मैं आपको वाउचर से पेमेंट करूंगा ऑनलाइन। मैंने कहा ठीक है, पेमेंट कीजिए। बोला कि एक मैसेज मेरे नंबर पे हेलो लिख के फ़ोन पे पे सेंड करो। मैंने फ़ोन पे पे हेलो लिख के सेंड कर दिया। उसके बाद बोलता है कि वाउचर से पेमेंट होगा, सो आपको पहले 1 रुपये का मनी रिसीव होगा। तो उसने मैसेज दिखाया, उसने 1 रुपये का मनी रिसीव करते हुए, जिससे कि कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाए। उसके बाद वो बोलता है कि आप अपना फ़ोन पे पे बैलेंस चेक कर सकते हैं। वो इतना बोला कि मेरा माथा ठनका कि भाई उसको मेरे बैलेंस से क्या मतलब, पैसा उसको पेमेंट करना है और मैं बैलेंस क्यों चेक करवा रहा है। यहीं पे आप फ्रॉड को पकड़ सकते हैं। कोई भी पेटीएम या फोन पे से पेमेंट करेगा तो उसको आपका बैलेंस जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो बैलेंस क्यों जानना चाहता है, क्योंकि आपका पैसा वो साफ करना चाहता है। बोला कि एक लिंक आएगी, आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको पेमेंट हो जाएगा। मैंने कहा कि जब भी कोई मुझे पेमेंट करता है डायरेक्टली तो मुझे नॉर्मल मैसेज आ जाता है, आप डायरेक्ट नंबर से पेमेंट कर दो। बोला डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं होगा, तो मैंने बोल दिया फिर तो मैं सिक्का नहीं बेचना चाहता, आप डायरेक्ट पेमेंट करो या कैश दो तो ही सिक्का बेचूंगा। इतना बोला तो उसने फ़ोन काट दिया। दोस्तों, ये मैसेज आप अगर सिक्का पर कोई एड क्विकर पे कोई एलेक्स पे डाल रखा है और आपको कोई ऑफर देता है तो कृपया ऑनलाइन पेमेंट में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी लिंक के द्वारा आप पेमेंट मत कीजिए, डायरेक्ट पेमेंट की करें आपको मैसेज ऑटोमेटिक आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लिंक के थ्रू अगर फ़ोन पे पे आपने कुछ किया तो आपका बैलेंस साफ हो जाएगा। फोन पे की यूज़र का जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको ध्यान से पढ़ें। किसी तरीके का कैशबैक ऑफ़र,
या कुछ भी डायरेक्टली फ़ोन पे पे आ जाता है, उसके लिए आपको कुछ भी लिंक की क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो आपको बातों में उलझा के रखेगा। इतनी देर कॉल करेगा आपको कुछ सोचने देगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देख रखे थे इसलिए मेरा ध्यान गया। लेकिन जो लोग नए होते हैं उनको ध्यान आता ही नहीं ये सब बातें, और जब अकाउंट खाली हो जाता है तब ध्यान आता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, क्विकर पे कुछ भी बेचने से पहले ऑफर एक्सेप्ट करते रहें, नॉर्मल पेमेंट मोड ही सेलेक्ट कर रखें। सामने वाले का कोई लिंक ऑफर एक्सेप्ट मत कीजिए। साइबर क्रिमिनल हमेशा रिक्वेस्ट मनी का मैसेज भेजते हैं, लास्ट में वो सेंड बटन पे क्लिक करवा के आपका पैसा उड़ा देंगे। अगर आपको ज़रा भी डाउटफुल लगता है तो तुरंत उसके कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कीजिए, फ़ोन पे भी पे पे भी ब्लॉक कीजिए और नॉर्मल कॉन्टैक्ट पे भी उसका कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दीजिए। कैशबैक ऑफर के लिए कोई भी कंपनी कॉल नहीं करती दोस्तों ये छोटे से वीडियो मैंने आपको अलर्ट रहने के लिए बनाया है। क्विकर पे सिक्के बेचने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले अलर्ट ज़रूर रहें। हो सके तो कैश पेमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें, ऑनलाइन पेमेंट को अवॉइड करें, इससे आप एक फ्रॉड से बच सकते हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। सोचिए अगर आपके पास 2 लाख रुपए अकाउंट में हैं और वो खाली हो जाए तो कितनी बड़ी टेंशन की बात है। इससे आपको बचाने का हमारा प्रयास है, इसलिए मैं तो बाल बाल बच गया, आप भी इसी तरीके से बाल बाल बचें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।